15 रोज से के ब्रदर की टीम और उनके ग्रुप वाले माशाल्लाह इतना अच्छा संभाल रहे इधर हाजी लोगों को। सारे हाजी लोग बोल रहे कि सिर्फ खाने का मेंटेन इधर हमना बहुत अच्छा है, दूसरा कुछ भी हमना नहीं, ना टॉयलेट ना सोने का ना कुछ भी नहीं है इस तरह है। लेकिन इधर इतनी खिदमत कर रहे हैं ना, हाँ ये तीनों ब्रदर लोग इतना खिदमत कर रहे हैं, एक दिन कम पेश नहीं हुआ, हर दिन आम ही हो रहे हैं। और तीन तीन चार चार देख खाना बच रहा है, और दूसरी जगह मदरसा है ना उधर हम लोग देखे आ रहे हैं। हाँ इतना ऐसे दिल वालों को तो शायद अल्लाह ताला और नवाजना नहीं। शिरीन का इंशन टेंशन सबका फिर से स्वागत है, मैं इब्राहिम आपके साथ। आज हम आपको दिखाएंगे कि हाजियों को तकरीबन 8 दिन से लगातार खाना खिलाने वाले 3 वक्त का खाना, ये एक ही चीज़ थी जो हाजियों को टाइम पर मिल रही थी, वो था खाना। जी हाँ दोस्तों, खाना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको अगर खर्चा करने गए लोग बाहर भी खाने जाएंगे तो एक बार के लिए जो है हाजी को तकरीबन 200-250 रुपये का जो है चार्ज लग जाता था। तो बहरहाल एक ऐसे शख्स हैं जो 3 वक्त का खाना जो है हाजियों को खिलाते रहे, 8 दिन से लगातार ये सिलसिला जारी रहा। यहाँ के हाजियों को, वॉलंटियर्स को, पुलिस डिपार्टमेंट को, साथ ही साथ जो हाजियों के रिश्तेदार थे उन लोगों को, और बीच में जो लोग आ रहे थे उन लोगों को साथ में जो है खाना यहाँ पर खिलाया गया था। और जो लोग एयरपोर्ट में काम कर रहे थे, जो वॉलंटियर्स यहाँ के हज कैंप से एयरपोर्ट में गए थे, उनको भी जो है खाना खिलाने वाले वो है के ब्रदर्स, जो शहर बेंगलुरु की मारूफ शख्सियत है, के गयासुद्दीन और के शरफुद्दीन और उनके 3 भाई। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हर दिन कितने लोगों का खाना बात कर रहे हैं, ये कैसे ख्याल है और कैसे आपने खिदमत का सिलसिला शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान हुआ, अल्लाह ताला ने इस मुबारक खिदमत के लिए हमें जो है कबूल फरमाया। और इससे पहले हमने जो है यहाँ पर खिदमत जो अंजाम दिए हैं, इसकी बुनियाद पर जो ताल्लुकात थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस बुनियाद पर जो है हमें यहाँ पर जो है खिदमत का मौका मिला। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के एक सदर भी हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम में हमने आपको देखा है, जहाँ भी आपके अब तक के हमने बहुत सारे प्रोग्राम देखे जहाँ पर पार्टी का बैनर होता है, फ्लैग्स होते हैं, तो यहाँ पर क्यों कुछ भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही? नहीं देखिए, हमारा जो है सारे 5 भाई हैं, हम सारे भाई मिलकर के जो है इंसानियत की खिदमत करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, वो अलग से जो है होता है। पार्टी का काम अलग है, पार्टी प्लेटफॉर्म अलग है, और जो हमारे के ब्रदर्स के नाम से जो किया जाता है वो जो है आपने देखा होगा लॉकडाउन में, और आपने देखा होगा इसमें कोविड के टाइम पर, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी जो है हमने उस वक्त में बहुत सारा काम किया है। और इस वक्त में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? उस वक्त पर जो है नफसी का आलम था, उस वक्त जो है खिदमत के लिए खिदमतदार नहीं मिल रहे थे, उस वक्त जो है हर कोई जो है मौत के आलम पर खड़ा हुआ था। ये इतना ख़तरनाक मंजर हमारे सामने से गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में भी जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उस वक्त भी हमने जो है बराबर मैदान में उतरकर सारे भाई इस खिदमत को अंजाम दिए। और इस बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर व आफियत के साथ कोविड की परेशानियां ख़त्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब जो खिदमत मिली है, हम इस वक्त भी जो है हम सारे भाई हाज़िर हैं। 8 दिन से आप लगातार जो है खिदमत कर रहे हैं, कोई चैलेंजेस या डिफिकल्टीज आपने फेस की जिस तरह से हाजियों को मुश्किल हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक हमारे तक तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, जो भी है हमारे सारे अपने खुद के जो है दोस्त अहबाब हैं, हमारा स्टाफ है, पूरी हमारी जो है एक मेंबरान हैं, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सब मिलकर जो है काम कर रहे हैं। जो भी खाने की जगह थे वो सिर्फ आपकी अलग टीम थी, हज कमेटी का कोई मेंबर नहीं था आप? नहीं नहीं नहीं, कोई मेंबर नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोस्त अहबाब थे, हमारी हज कमेटी के कमेटी के मेंबरान का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसकी वजह से जो है हमें जो खिदमत मिली, जो हजरात भी हम हमारे से जो ताल्लुकात थे उन्होंने जो मेहनत की, और जितने हमारे पूरे हज भवन के अंदर जो है वॉलंटियर्स हो, सिक्योरिटी हो, पुलिस वाले हो, हर वो लाइन का आदमी, चाहे वो लगेज का हो, चाहे वो इमिग्रेशन में हो, चाहे एयरपोर्ट के, कहीं के भी जो हज के ताल्लुक से जुड़े हुए
हर वो साथी के लिए हमारा तहे दिल से इन सब साथियों को, सब वॉलंटियर्स को जो है बहुत तहे दिल से अपने भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ। कितने लोगों के लिए पत्र था और कहाँ कहाँ उसको भेजा गया? देखिए, ये आपका सवाल मुझे इस वक्त देना सही नहीं है। पर्सनली मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसे जो है सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हम खिलाएँ। ऐसे तो हमने अनलिमिटेड किया था, किसी को भी मना नहीं किया। सारे जो है खिदमत के लिए जितने तीन टाइम के लिए भी जो है खिदमत किए हैं। सलाम अलैकुम, के मोहम्मद गयास यहाँ पर खाना खिलाते हैं और हाजियों का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, खाने का, नाश्ते का, दोपहर का, शाम का। और दो दिन से आठ दावत है, यहाँ पर बिरयानी पकती है और खुशका खुरमा पकता है। हाजियों का बहुत इंतज़ाम है, फ्रूट का भी इंतज़ाम है। हम सब लोग वॉलंटियर्स, यहाँ पर 2000 वॉलंटियर्स हैं, इमिग्रेशन के, पासपोर्ट के, हमारे खाने के काउंटर के 150 औरतें हैं। हम लोग 16 साल से इधर खिदमत कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम है। के मोहम्मद गयास का खाना है बहुत अच्छा खराब है, अल्लाह उसकी हयात की दराजी करो। और अभी हाजियों के साथ 10-10 आदमी आ रहे हैं, उनको भी हमें संभाल रहे हैं। और हाजियों के साथ 5-5 आदमी भी आ रहे हैं, उनको भी संभाल रहे हैं। गाँव से आ रहे हैं, बहुत गाँव से आ रहे। मेरा नाम जाकिरा बेगम है, बिस्मिल्लाह नगर में रहने वाली गोरे आंटी। खाने का इंतजाम है के ब्रदर्स के कर रहे हैं, अलहमदिल्ला पूरा स्मूथली हैंडल कर रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा साल और अच्छा करेंगे, इससे बेहतर करेंगे। अभी जो सिर्फ ये कर रहे हैं खिदमत के लिए, दुआ के लिए कस ये कर रहे हैं। खाना है ये जो हाजियों के लिए है और साथ में जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भी खाना खिला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेहमान हैं आपको खाना नहीं है, उनको भी खाना खिला रहे हैं। जो हाजी लोग आ रहे हैं उनको भी खाना खिला रहे हैं। हाजी के साथ जो मेहमान जो दूर दराज से आ रहे हैं उनको भी खाना खिला रहे हैं। बिगिनिंग से पहले दिन से खाना खिला रहे हैं, आज आखिरी दिन है। जो हज का सफ़र है कैसा लगा आपको पूरा सिस्टम? थोड़ा चेंज हो गया है आफ्टर कोविड, थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा मतलब रूल्स और रेगुलेशन थोड़ा चेंज हो गए। इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, खाने की हद तक तो हम बोल सकते हैं, दूसरी हमारे मतलब ये नहीं है। काम बोलिए, और आज को जो जा रहे हैं क्या दुआएं लेके जा रहे हैं? मैं 8 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ, कम से कम 20 साल से काम कर ले कर रही। माशाल्लाह आम दावत रखी, हर एक हाजी को पेट भर को खिला रही, खिदमत अच्छी कर रही माशाल्लाह। और कुछ भी नहीं, हर चीज़ का इंतज़ाम अच्छा करी, बेहतर करी इंशाल्लाह। और हर एक आज भी दुआ कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है, हमारे पूरे वॉलंटियर्स भी अच्छे से काम कर रही, खिदमत अच्छे से कर रही है, और सिर्फ हम दुआ के लिए हाजियों की इधर आए। अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ पर कबूल फरमाया, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हमें अदा करते हुए यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं, इस खिदमत के लिए खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला हमें बार बार हम सबको कबूल फरमाए, यहाँ सब आकर खड़ने से अल्लाह ताला हमको जज़ा खैर अता फरमाए कि यहाँ के रास्ते में, यहाँ के खाने में, यहाँ के खिदमत गुजार में अल्लाह ताला बार बार हमको सबको कबूल फरमाए। जो भी हाजी यहाँ पर आते हैं उनसे मुसाफा लेते हैं, आदला के घर को जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी हज की दुआ से हमें हम सबको भी जितना बेहतर से बदला अता फरमाते हैं।